हेलो गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। मेरा नाम है परिकल्प और अभी हमारी जो क्लास है वो है आपका करंट अफेयर्स। नमस्कार, 7 तारीख का करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं, तो आ जाइए आप लोग और क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन एकेडमी लाइव रेलवे एग्जाम, सो दैट आपसे कोई क्लासेज मिस ना हो और आप लोग सुबह की क्लास में रह सकूँ। अगर आपके पास अन अकेडमी की ऐप नहीं है तो आप इसको ऐप स्टोर से और गूगल प्ले से दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अन अकेडमी पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, पीडीएफ मटेरियल आपको मिलता है। चलिए ठीक है, सो ये आपका कोड है परिकल्प YT10। अगर आपको रेफरल कोड यूज करना है तो ये कोड यूज करके आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, इंडियन रेलवे ने नया ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन यूज किया है पहली बार, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में उनको आसानी होगी। आपसे पूछा गया कौन सी कंपनी है जिसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। चलिए, कौन सी कंपनी है जिसने की पहली बार न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन को यूज किया है। चलिए शुरू हो जाइए। आंसर ऐसा तो नहीं है कि मुझे चैट में कमेंट नहीं दिख रहे हैं कमेंट। चलो हाँ ठीक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बसरुद्दीन, विराट, कृपा, तुम्हारा तो नाम भी नहीं भाई, लव यू। हाँ बताइए, इंडियन रेलवे ने ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन पहली बार किस कंपनी में शुरू किया। हाँ करेक्ट, ठीक है बसरुद्दीन, करेक्ट। इसका आंसर है टू, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में। ठीक है, इसका काम क्या है एक्चुअल में, पूरा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको संभालती है, जो ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है फ्रेट का। फ्रेट क्या होता है, जो सामान ले जाने वाली मालगाड़ी है, तो तुम्हारी जो डबल डेकर फ्रेट चलने लगे, यानी कि एक के ऊपर एक फ्रेट वाली जो चलती है, उस तरह के जितने भी फ्रेट चलते हैं, या फिर मैंने जैसे कल बताया था आपको, एक आपका नेटवर्क बनाया गया है, ये जैसे आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हो। स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या है, दिल्ली को जोड़ा गया है मुंबई से, मुंबई को जोड़ा गया है चेन्नई से, और चेन्नई को जोड़ा गया है कोलकाता से। तो यहाँ पर कोलकाता की जगह आप हावड़ा समझ लीजिए, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता इनको जोड़ा गया है। इसके अलावा जो है, एक दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता, ऐसे करके आपका एक जोड़ा गया है नेटवर्क। तो आपके टोटल ये 6 रूट है जो सबसे ज्यादा बिजी रूट है, और इन 6 रूट पे आपका ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काम करता है। और अभी जो की पर्सन है वो है विनोद कुमार यादव, जो कि आपके चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के। 2006 में शुरुआत हुई इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। साफ नहीं दिख रहा, साफ दिखने के लिए तो तुम्हारा नेट अच्छा होना चाहिए। चलिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने की लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया इस थीम पर जो है इंटरनेशनल वेबिनार शुरू किया था। लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इस थीम पर आपका जो है इंटरनेशनल वेबिनार शुरू किया था। कौन सा कंपनी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बोलो। तुम लोग के कमेंट लेट आ रहे हैं कि कर ही रहे हो लेट। नहीं 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 नहीं, चलो इसका आंसर है गाइस, इंडियन स्कूल, हाँ इंडियन स्कूल, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है आपकी, ये संभालती है हमारा जो है लोग, इस थीम पे इसने जो है कार्यक्रम शुरू कराया था। कुछ है नहीं, बस लोकमान्य तिलक जी के ऊपर जो है अलग अलग लोगों ने कहानियां सुनाई थी और कुछ नहीं था। चलिए, तो ये जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है ये आपका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। इसका बेसिक काम क्या है कि जो अलग अलग देश पढ़ते हैं उनके साथ कल्चरल रिलेशन जो हमारे हैं उनको मेंटेन करना होता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अबुल कलाम आजाद जी ने इसकी शुरुआत की थी 1950 में, और अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विनय सहस्रबुद्धि। चलिए,
उस पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताइए जिसने कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर जो है कोरोना कवच पॉलिसी शुरू किया है। शॉर्ट टर्म आपका एक पॉलिसी है जिसका नाम है कोरोना कवच पॉलिसी, ये शुरू किया है। जय जय महाकाल, जय भीम, जय भीम। चलो तीसरा क्वेश्चन। कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने कि आपके इन तीनों इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर कोरोना कवच पॉलिसी शुरू की? यस बसरुद्दीन करेक्ट है, इसका आंसर है कैनरा बैंक। ठीक है, यस कैनरा बैंक का आंसर है। चलो तो देखो कैनरा बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। अभी सीईओ जो है इस समय इनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर, एलवी प्रभाकर जो है इस समय सीईओ है। फाउंडर जो थे इसके उनका नाम था अम्मेबल सुब्बा राव पाई, और इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1906 की। न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर बात करें तो ये आपकी जो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी जो सीईओ है उनका नाम है अतुल सहाय, फाउंडर इसके थे दोराबजी टाटा, वही टाटा ग्रुप वाले, और इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। बजाज अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके सीईओ तपन सिंघल है। एचडीएफसी जो है एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस आपका, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके सीईओ है रितेश कुमार और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। चलो अगला क्वेश्चन यह है, इंफोसिस फिनकल जो है उसके उसको सेलेक्ट किया गया है बैंकिंग बिजनेस को जो है डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। किस देश ने अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंफोसिस फिनकल को चूज किया है? कौन से देश का बिजनेस चेंज कर रहे हैं? बोलिए। इंफोसिस फिनकल आपका जो है किस देश का जो बैंकिंग बिजनेस है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पेपर से उठा के सब कंप्यूटर पे? ईरान? नहीं, ईरान कतर नहीं है भाई, इसका आंसर है बहराइन। ठीक है, बहराइन आंसर है, बहराइन में आपका चेंज कर रहे हैं ये लोग। चलो तो बहराइन का देख लो, बहराइन को जो है इसको बोला जाता है किंगडम ऑफ बहराइन, या आपके पर्शियन गल्फ में पड़ता है एक नेशन है जो कि आइलैंडिक नेशन है। आइलैंडिक नेशन होने का मतलब कि आपके बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको जोड़ के बनाया गया है। तो 40 नेचुरल आइलैंड्स हैं और 51 आपके आर्टिफिशियल आइलैंड्स, 51 आइलैंड्स इन्होंने बनाए और 40 आपके जो है पहले से थे, तो 91 आइलैंड से टोटल टोटल मिला के जो है आपका पूरा बहराइन बनता है। कैपिटल इसकी मनामा है और करेंसी है बहराइनी दिनार। ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है यहाँ पर वो अरबिक और इंग्लिश बोली जाती है। जो यहाँ के प्रिंस हैं उनका नाम है सलमान बिन हमद अल खलीफा, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ठीक है, चलो सो अगर देखना है आपको तो मैं आपको बहराइन दिखा देता हूँ। ये जो आपको देश दिख रहा है ना, ये कतर के पास जो देश दिख रहा है ये आपका बहराइन है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा इंडिया का आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये आपका इंडिया चल रहा है, ये गुजरात वाला पार्ट आपको दिख रहा। ठीक है, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है मस्कट, ये पूरा आपका ओमान हो गया, और ओमान के बगल से आपको ये छोटा सा जो देश दिख रहा है ये आपका कहलाता है बहराइन। ठीक है, ये यहाँ पर ये बहराइन है, ये छोटा वाला, बड़ा वाला मत समझना, ये जो छोटा वाला है ये जो दूसरा सर्कल बनाई ये आपका बहराइन है। चलिए अगला ये है, एक्सिस बैंक ने किस के साथ पार्टनरशिप करके जो है मल्टीलिंगुअल बोट शुरू किया है जिसका नाम है अक्षा? चलिए ये आपका एक बोट आया है जिसका नाम है एक्सा, और ये किस कंपनी के साथ मिलकर एक्सिस बैंक का आया है? एक बैंगलोर की कंपनी है, नई कंपनी है जिसने की बनाया है ये। बोलिए। चलो तो मुझे आंसर अभी दिख नहीं रहा है, कोई अगर सी बोलेगा तो मान लेंगे, अभी तक नहीं बोला। ठीक है, वर्नाकुलर्स एआई करके ये कंपनी है, वर्नाकुलर डॉट एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है कंपनी की वेबसाइट भी है,
अगर तुम चाहो तो सीधे सीधे जाके ओपन कर सकते हो vernacular.ai से, ठीक है। ये आपका vernacular.ai एक बेंगलोर का स्टार्टअप है जो कि आपका जो है वॉइस ऑटोमेशन पे काम करता है। इसने जो है बोट बनाया है एक्सा, जिसका काम होगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे तुम कॉल करते हो ना तो एक दबाए दो दबाए, उसके बाद जो बेसिक होंगे जैसे आपसे आपको अपना अकाउंट का वो पूछना है कि कितना बैलेंस है, ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको, शुरुआत के क्वेश्चंस को ये देखेगा, ठीक है। इसके लिए आपका बनाया गया ऑटोमेशन के लिए। अगला ये है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड PNG और ITC के साथ मिलके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा सके। विमेन एम्पावरमेंट में जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उस पर काम करने के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरुआत की है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, PNG और ITC के साथ, इन तीनों कंपनी के साथ मिलके जो है काम करने वाले हैं। कौन सा स्टेट है, कहाँ की महिलाओं को भाई सम्मान दिया जाना है, कहाँ की महिलाओं को एम्पावर कर रहे हो? हाँ ठीक है, करेक्ट है बसरुद्दीन, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यस यस आंध्र प्रदेश आंसर सही, ममता मंजू करेक्ट है, यस आंध्र प्रदेश आंसर है, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है इसके CEO इस समय है संजीव मेहता। इसकी शुरुआत हुई थी 1933 में 17 अक्टूबर को, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्चुअल में आपकी ये ब्रिटिश कंपनी है लेकिन ये हिंदुस्तान जो यूनिलीवर कंपनी है वो आपकी जो है वहां ब्रिटिश की है, और उसकी जो सब्सिडरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वो आपकी इंडिया में पड़ती है। प्रॉक्टर एंड ग्रैम्बल जो है आपकी जो PNG है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स में, सिंसिनाटी करके जगह है। सिंसिनाटी में एक यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी, जिसका काफी ज्यादा नाम है। CEO आपके है डेविड एस्टेलर, और इसकी शुरुआत हुई थी 31 अक्टूबर 1837 में। ITC जो है ये आपकी जो है कोलकाता में है इंडियन टोबैको कंपनी, और संजीव पुरी इसके इस समय CEO चल रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1910 में। ITC तुम्हारी बिस्किट भी बनाती है, सिगरेट भी बनाती है, सिगरेट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है टोबैको कंपनी। आई गेस गोल्ड फ्लैग सारी यही बनाती है, गोल्ड फ्लैग वाइट विल्स वगैरह जो आती है सब इसी से आती है, ठीक है। तो MD और CEO है जो HDFC बैंक के, वो कौन बनेंगे? 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक के MD और CEO कौन अपॉइंट हो जाएंगे? हाँ करेक्ट है मंजू, करेक्ट है, इसका आंसर है शशिधर जगदीशन। यस शशिधर जगदीशन जो है आपके ये MD और CEO बनने वाले हैं HDFC बैंक के, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अब उसमें बाकी सी भी HDFC के बारे में पहले ही जान चुके हो, CEO मैंने बता ही दिया। चलिए उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको कि यूनाइटेड नेशन का करमवीर चक्र मिला है और रेड एक्स कॉन्क्लेव आई कॉन्गो मिला है, ठीक है। करमवीर चक्र मिला है यूनाइटेड नेशन और आई कॉन्गो का रेड एक्स कॉन्क्लाइव में। हाँ शशिधर तो सही है, ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था, एक मोटिवेशन चैनल बनाया है, उस मोटिवेशन चैनल की वजह से इनको जो है काफी ज्यादा इज्जत मिल रही है और करमवीर चक्र मिला। इनका नाम है ममता, करेक्ट है, इनका नाम है सुनील यादव SS। तो सुनील यादव SS एक्चुअल में आपके जो है एक 23 साल के लड़के हैं जिन्होंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि मोटिवेशनल चैनल है, उस चैनल का नाम है SS मोटिवेशन, ठीक है। मैंने भी अभी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करते हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो इस किसकी वजह से मिला है, कुछ मोटिवेशन देते रहे होंगे सुबह सुबह से उठ के। चलो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर जो है, किस IIT का हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर जो है उसने हेलोक्सिन हेल्थ केयर सोल्यूशन के साथ मिलकर पहला मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया है COVID-19 के लिए, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस COVID-19 के लिए बनाया है किस IIT के हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर ने? नहीं अभी आंसर नहीं दिखा, इसका आंसर है भाई IIT मद्रास, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं बताया, हाँ बसुद्दीन करेक्ट है, मद्रास आंसर है, मद्रास IIT मद्रास। चेन्नई का नाम बदल गया, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया लेकिन IIT अभी भी अपने आप को IIT मद्रास ही बोलता है। चलिए
उस हेल्थ असिस्टेंट रोबोट का नाम क्या है जिसको कि सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने बनाया है? सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने एक आपका जो है हेल्थ असिस्टेंट रोबोट बनाया है, उस रोबोट का नाम क्या है? और ये एक्चुअल में जो रोबोट बनाया गया है ये तुम्हारा शेड में बनाया गया है, जो कार शेड होता है ना, जहां पर ये ट्रेन वगैरह रात में खड़ी की जाती है, जो ट्रेन की पार्किंग होती है उसको कार शेड बोलते हैं, उस कार शेड में बनाया गया है। क्या नाम है इसका? हाँ करेक्ट है मंजू प्रदीप, करेक्ट है, इसका नाम है रक्षक। ठीक है, सो ये रक्षक आपका जो बनाया गया है मुंबई डिवीजन जो है सेंट्रल रेलवे का, इसने ये हेल्थ असिस्टेंट रोबोट बनाया रक्षक, और ये काम क्या करेगा, ये आपका डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिमोटली कम्युनिकेशन को देखेगा। ठीक है, ये जो बनाया गया था मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये आपका जो कारशेड था EMU, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का जो कारशेड था वहां पर इसको डेवलप किया गया है कुर्ला पे। ठीक है, और ये आपका जो है रोबोट ये काम करेगा ताकि डॉक्टर को जो है पेशेंट से COVID-19 ना हो और आपस में इनकी बात भी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक यूनिक कियोस्क बनाया गया है जिसका नाम है यूवी बैगेज बैच, यूवी बैगेज बात, और ये आपका जो है कौन से रेलवे स्टेशन बनाया गया है? तो बेसिक इसका काम क्या है कि बैग जो है जितना भी लोग सामान लेके निकलेंगे उसको जो है यूवी सैनिटाइज कर देगा ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई। ठीक है, बिना टच किए जो है आपका बैगेज को टच कर ये वो ठीक कर देने वाला है, सैनिटाइज कर देने वाला है। कहां पर हुआ है ये? हाँ करेक्ट है बसरुद्दीन, करेक्ट है, इसका आंसर है बैंगलोर रेलवे स्टेशन। यस, बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर आपका ये हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम है यूवी बैगेज बैच, और ये आपका जो है ये भी याद रखना कि साउथ वेस्टर्न में आता है तुम्हारा बैंगलोर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी लगेज आपका है उसको डिस इन्फेक्ट करना है, तो यूवी रेस के थ्रू जो है उसको करेंगे ताकि जो ट्रेवल बैग्स हैं लोगों के उनको भी इन्फेक्शन से बताया जा सके, और जो पुलिस वाले या जो जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह वहां पर काम कर रहे हैं उनको जो है उसको टच ना करना पड़े बैग को, तो कम से कम जो है COVID-19 का स्प्रेड हो। इंडियन रेलवे ने जो है ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाई है 3 रेलवे स्टेशन पे, अभी तक जो भी लाइटिंग सिस्टम है वो मैनुअल है, 3 रेलवे स्टेशन पे आपकी लाइटिंग आई है जो ऑटोमेटिक काम करेगी, और ये पायलट बेसिस पे करा गया, अगर ये चल गया तो फिर आगे भी इसी में काम करेंगे। तो ये आपके किस स्टेट में शुरू हुआ है? बोले किस स्टेट में हमने जो है ये आर्टिफिशियल लाइटिंग शुरू किया है? प्रदीप कह सकते हैं, अगर आंसर तुम में किसी ने दिया, अभी तक तो आंसर नहीं आया। चलिए ठीक है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में आया है, एमपी में एक्चुअल में आपके 3 स्टेशन पकड़े गए हैं, एक तो जबलपुर में आपके आ रहा है, एक आपके भोपाल में आ रहा है, और एक आपके नरसिंहपुर में आ रहा है। ठीक है, ये 3 स्टेशन है, नरसिंहपुर, ये 3 स्टेशन है जहां पर आपके शुरुआत की गई, नहीं जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर, ये 3 स्टेशन में जो है हम लोग ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाते हैं, और अगर यहां पर सफल हो जाएगा तो धीरे धीरे करके इसको पूरा इंडियन रेलवे में लगाया जाएगा, तो एक्सीडेंट्स कम होने की फिर संभावना रहेगी। चलिए, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप, ये आपकी एक ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल ऐप है, ये आपकी किस यूनियन टेरिटरी ने बनाई है? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप जो है ये एजुकेशन के लिए बनाई गई, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने डेवलप की है? हाँ ममता करेक्ट है, एमपी आंसर है। चलिए, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप, हाँ करेक्ट है बसरुद्दीन, करेक्ट है, इसका आंसर है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो दादरा नगर हवेली दमन दीव दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, दोनों यूनियन टेरिटरी एक साथ जुड़ गई हैं अब, तो अब आपका जो आंसर है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। ठीक है, चलिए, तो यूनियन टेरिटरी जो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव की, उन्होंने एक मोबाइल ऐप निकाली ई ज्ञान मित्र, जो कि बच्चों को इस समय कोरोना वायरस के समय पढ़ाने के लिए है। तो ये आपकी जो है प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक की ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट वगैरह दिलाने में बच्चों को हेल्प करेगी,
टीचर्स अपना लेक्चर पोस्ट कर सकते हैं, क्विज पोस्ट कर सकते हैं, और बच्चे जो है उन लेक्चर्स को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। टीचर जो है इसके साथ साथ बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको भी इसी ऐप से मॉनिटर कर सकते हैं कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो कितना लेवल में पढ़ रहे हैं। तो क्विज इससे होगा तो अपने आप उससे जो है लेवल भी चेक हो जाएगा। चलिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 किसने शुरू किया? नहीं, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन तुम्हारे जो है, हर्षवर्धन भैया, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन की शुरुआत की है। ठीक है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है जो कि बच्चों के बीच में स्कूल में साइंस को जो है पॉपुलर करने के लिए शुरू किया गया। क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक, कक्षा 6 से कक्षा 11 तक के बच्चों के बीच में विज्ञान को जो है डेवलप करने के लिए, बच्चे जो है विज्ञान को और ज्यादा अच्छे से समझें उसके लिए किया गया है। और इसकी जो शुरुआत की है वो विज्ञान भारती ने शुरू की है। ठीक है, विज्ञान भारती जिसको विभा बोलते हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है विज्ञान प्रसार के कोलेबोरेशन से। ये विज्ञान प्रसार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसके अलावा एनसीईआरटी जो है इसमें साथ देने वाला है। कुल मिला के विज्ञान को ये लोग बढ़ावा देंगे। अब देखो जैसे बढ़ावा देंगे खुद ही पता चलेगा। चलिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने अपना वेयर हाउस जो है किस कंपनी में सेटअप करने का प्लान किया है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये अपना वेयर हाउस लगा रहा है एक देश में, किस देश में लगाएगा कि अपना जो है सामान वहां रखेंगे, सामान रखा जाएगा उस देश में और बेचेंगे यहाँ पर, और वहीं से जो है फिर ये लोग वो भी करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बसरुद्दीन चलता है। बोलिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना सेटअप कहाँ किया है? हाँ, वियतनाम। ठीक है, बसरुद्दीन करेक्ट है। यस, बसरुद्दीन करेक्ट है, इसका आंसर है वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम में आपके ये शुरू करने वाले हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है जो कि आपके अलग अलग तरह के कॉटन के ट्रेड में, प्रिक्योरमेंट में, एक्सपोर्ट में, तीनों का मतलब कॉटन खरीदना, कॉटन उगवाना, कॉटन बेचना, कॉटन एक्सपोर्ट करना, सारी चीजों में काम करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है पी अली रानी। ठीक है, वियतनाम एक आपका देश है जो कि आपके बुद्धिस्ट पगोडा और बीचेस के लिए फेमस है। इसकी कैपिटल है हनोई और सबसे बड़ी सिटी जो है वो होची मिन है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जगह सुनने को मिलता है कि वियतनाम की दो कैपिटल है, तो एक्चुअल में दो कैपिटल नहीं है, कैपिटल आपकी हनोई ही है, लेकिन सबसे बड़ा शहर होची मिन है, तो लोग होची मिन ज्यादा जाते हैं, इस वजह से बोला जाता है कि वो भी कैपिटल है। जो प्रेसिडेंट है यहाँ के उनका नाम है ग्वेन फ्यू टोंग। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है ग्वेन जुआन फुंक, और करेंसी यहाँ की है वियतनामी डोंग। जो लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है वो है वियतनामीज। ये आपका वियतनाम के बारे में सब कुछ हो गया। अगर मैं आपको वियतनाम कंट्री दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये आपका इंडिया है और ये जो देश आपको दिख रहा है ये आपको हनोई दिख रहा है। ठीक है, ये आपका होची मिन है और ये जो देश है आपका पूरा इधर किनारे से बीचेस से लगा हुआ, ये आपका पूरा का पूरा देश कहलाता है वियतनाम। ठीक है, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया से एक साइड से जुड़ा हुआ और एक साइड से आपका पूरा का पूरा समुद्र से जुड़ा हुआ, साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ, ये आपका वियतनाम है। तो हनोई और होची मिन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी देख लो कितनी है, और इंडिया से डिस्टेंस भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलो अगला है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कि इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके एक नया क्रेडिट कार्ड निकाला है पीओएस टर्मिनल्स की इंस्टॉलमेंट देने के लिए। हेलो सक्षम इंग्लिश क्लासेस, हाँ भाई पढ़ लिया, तुम्हारा नाम सक्षम है लेकिन कमेंट तुम कैसे खतरनाक से कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कि इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके जो है एक नया क्रेडिट कार्ड निकाला है ताकि मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू की जा सके पीओएस टर्मिनल्स पे। हाँ,
बसुद्दीन करेक्ट है, इसका आंसर है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ठीक है, चलिए, मोहम्मद इरफान अली किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? मोहम्मद इरफान अली, ये देश ऐसा है कि इस देश के साथ हमारा पुराना बहुत रिश्ता है, मतलब जब ब्रिटिश अपने यहाँ राज कर रहे थे तो यहाँ अपने देश से बहुत सारे लोगों को ले जाया गया था, मजदूरों की तरह इस देश में रखा गया था। ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, यहाँ पर रखा गया था बहुत टाइम तक, और धीरे 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 करके यहाँ की जो जनरेशन है वो आपकी इंडिया की पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा है, यानी भारतीय मूल के आपको बहुत लोग वहां मिलेंगे। मंजू करेक्ट है, इसका आंसर है गुयाना। ठीक है, तो गुयाना में जो है आपको इंडिया और गुयाना के जो है मिक्स्ड वाले लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ से मजदूर ले गए थे। ठीक है, गुयाना का पूरा नाम जो है वो रिपब्लिक ऑफ गुयाना है, ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कैरेबियन देशों से, यानी कि आपके जो कैरेबियाई देशों हैं उसके साथ जो है इनका कल्चर बहुत मैच करता है, इस वजह से इसको जो है कैरेबियन कम्युनिटी में भी काउंट किया जाता है। कैरेबियन कम्युनिटी यानी कि कैरिकॉम, जिसमें तुम्हारे ब्राजील वगैरह देश आते हैं, इसकी इसको जो है ये अटलांटिक ओशन इसके नॉर्थ में है, साउथ में इसके ब्राजील पड़ता है, वेस्ट में वेनेजुएला पड़ता है, और ईस्ट में आपके जो है सूरीनेम कंट्री पड़ती है। अभी जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन, जो प्राइम मिनिस्टर अभी वर्तमान में उनका नाम है मार्क फिलिप्स, वाइस प्रेसिडेंट जो है भरत जगदेव है, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और करेंसी जो है गुएनीज डॉलर है। लैंग्वेज जो यहाँ बोली जाती है वो इंग्लिश है, क्योंकि साउथ अमेरिका के ज्यादातर देशों में यही बोली जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस देश को देखना चाहें गुएना को, तो आपको ये देश दिख रहा है सूरीनेम, और सूरीनेम के पास ये जो देश आपको दिख रहा है ये आपका जो है ये कंट्री पड़ गई गुएना। ठीक है, ये आपका गुएना है जो आपको रेड कलर का मैंने दिखाया। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सारे देश जो है इंडिया से दिखाता हूं ताकि आपको डिस्टेंस समझ में आ जाए। तो ये इंडिया से आपको जो है डिस्टेंस दिख रही होगी, ठीक है, ये इंडिया है और इंडिया से आप डिस्टेंस देख सकते हो। चलिए, हेलो भाई, उस कंपनी का नाम बताइए जो कि पहली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तीन आपके विंड ऑक्शन हुए, और उन तीनों को खरीदने वाली पहली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी कौन है? हेलो रजनी, चलो बताओ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर? नहीं भाई, नहीं, इसका नाम है सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है। चलो अगला, आपकी एक बुक आई है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। ये बुक आपके बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने लॉन्च की, इस बुक को लिखा किसने है? सियासत में सदस्यता नीतीश कुमार जी द्वारा लॉन्च की गई, और इस बुक को लिखा किसने है? हेलो मंटू, बोले, सियासत में सदस्यता? नहीं, इसका आंसर है विजय कुमार चौधरी। एक्चुअल में जो आपकी बिहार विधानसभा है, ठीक है, बिहार विधानसभा में आपके स्पीकर हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं जिनका नाम है विजय कुमार चौधरी जी, और विजय कुमार चौधरी जी की बुक थी, इसको लॉन्च किया है नीतीश कुमार ने। ठीक है, चलो, तो ये आपके सियासत में सदस्यता बुक आई थी, असेंबली स्पीकर हैं आपके विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इस बुक को जो पब्लिश किया है वो बिहार असेंबली सेक्रेटरिएट ने बुक किया गया है। इस बुक को जो कंपाइलेशन और एडिशन किया गया है वो आपके अरविंद शर्मा जी ने किया है, ये आपके एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, इन्होंने जो है इसको वो किया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है विनोद बंधु ने लिखा था, ये आपके जो है वो है विजय कुमार चौधरी जी। चलो अगला, ये उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने की विशेष कोड टू विन बुक लिखी है। एक किताब आई है विशेष कोड टू विन, इस बुक को किसने लिखा? विशेष कोड टू विन, ये बुक किसने लिखी है, बोले? चलो, तो अभी तक आंसर नहीं आया, मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर है निरुपमा यादव। निरुपमा यादव ने लिखी, करेक्ट, बसरुद्दीन करेक्ट है, रजनी करेक्ट है, इसका आंसर है निरुपमा यादव। ठीक है,
तो विशेष कोड टू विन ये बुक लिखी है आपके निरुपमा यादव जी ने, जो कि पहले स्पोर्ट्स वूमेन थी और फिर वो जो है बुक्स लिखना शुरू कर दी। ये बुक आपकी 29 अगस्त को आ जाएगी स्पोर्ट्स डे पे। 29 अगस्त को हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, उस दिन बुक लॉन्च होगी। और ये बुक जो है ये बायोग्राफी है भारत के सबसे यंग बास्केटबॉल कैप्टन पे। तो आपको ये दिख रहे हैं, इनका नाम है जो है विशेष, ठीक है, विशेष भृगुवंशी ये इनका नाम है। ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन है और इनकी बायोग्राफी थी जो कि लिखी थी आपके निरुपमा यादव जी ने, इसलिए ये बुक आपकी फेमस है। ठीक है, याद रखना इस बुक का नाम आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। चलिए सो गाइस, आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो जाके आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और हम लोग जो है मंडे से स्पेशल क्लासेस शुरू करेंगे जिन पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो कोर्सेज हैं, दोनों कोर्सेज आपके आज से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी 9 बजे वाली क्लास में आओ, काफी डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जनवरी से लेके, और उसके साथ साथ उसका स्टैटिक जीके भी देखेंगे। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो अनअकैडमी रेलवे एग्जाम्स पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कल वापस हम लोग सुबह जो है 8 बजे इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे आंसर आपको जो है क्वेश्चंस के यहाँ पर मिल जाएंगे। सो गाइस फॉलो कर लो और मिलते हैं फिर 9 बजे।